हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5। चैप्टर नेम है आपका डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अभी तक जो क्वेश्चन थे 9 तक, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले से ही अपलोडेड है, तो उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलिंग्स, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स निकालना है किसका। एक आपको मैट्रिक्स यानी कि आप भी आपको गिवन होगा, उसका आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, यानी कि आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है निम्नलिखित आव्यूह का। तो जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, जो उसमें आव्यूह है, आव्यूह यानी कि उसकी जो फर्स्ट रो है वो है 1-1, 2। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है यानी जिन्हें हम अव्यय कहते हैं 0, 2, -3। एंड थर्ड जो रो है बच्चों वो है 3, -2 एंड 4। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने से पहले आपको पता है कि इसको मैं क्या करूँगा, लेट ए यानी कि माना इसको, इस आव्यूह को मैं ए के बराबर कंसीडर यानी कि इसको लूँगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू सेम एज इट इज़, मैंने इसको नोट कर लिया यहाँ पे, आप देख रहे हैं जैसे। और हमें निकालना है इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। तो इनवर्स का जो बच्चों फॉर्मूला मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किए थे, इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/मॉडलस ऑफ ए, यानी कि जो आपको मॉडलस इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये मॉड का साइन है, वैसे ये डिटरमिनेंट मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपको निकालनी है, डॉट यानी कि इनटू एडजोइंट ए। ठीक है, तो पहले मैं ऑलरेडी इनको आपको बता चुका हूँ कि एडजोइंट, हाउ टू फाइंड द एडजोइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ये सब एडजोइंट निकाल हमने सीख रखा है यहाँ पे। तो आप उन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो को आपको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, तो अब आपके पास बच्चों ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी मुझे इस यानी कि ए आव्यूह का यानी ए मैट्रिक्स का वैल्यू। तो उसको हम कैसे निकालूंगा मैं, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं जैसे 1 लिया मैंने, ठीक है, और उसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, उसको करूंगा मैं साइलेंट, और यहाँ से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो जो यहाँ पे बचेगा आपका जो एलिमेंट बनेगा उनका क्रॉस मल्टी यानी कि जो डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो 4 2 8 एंड माइनस आता है बीच में, और यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, ऑलरेडी एक साइन यहाँ पे नेगेटिव रहेगा माइनस। ठीक है, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पे बच्चों माइनस आता है, यह आपको पता है कि यहाँ पे प्लस का साइन होता है सबसे पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस होता है ये प्लस चलता है। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो का आपको दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव साइन पहले से ही उसमें है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस रो को यानी कि जिस रो में वो है उसको डिलीट करते हैं, और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करते हैं, तो आपको दिखाई देंगे 0, -3, 3, 4। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, लेकिन -9 और एक नाइन, एक माइनस पहले से रहेगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ये वैसे आपको मैंने पहले से ही बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो +9 हो जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, 2। तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, यानी कि ये गया, ये वाली रो में है ये, और ये इस वाले कॉलम में, तो डिलीट होंगे, तो यहाँ क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 0 × -2 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -6, क्योंकि 3 2 6 होता है और नेगेटिव साइन उसमें रहेगा, तो 0 - 6, तो मैंने अभी 0 लिखा नहीं, -6 हो जाएगा। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा क्या, -1। तो जो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें आई, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो अस्तित्व में है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब खुद सोचो कि अगर ये 0 यहाँ पे होल्ड कर देता, यानी कि 0 के बराबर आ जाता, ये वैल्यू -1 ना होकर 0 आती, तो जब मैं इसका इनवर्स निकालता तो एडजॉइंट के साथ, तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद जब मैं 1/ a डिटरमिनेंट करता तो 1/0 करता, तो क्या आ जाता आपका, नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, 1/0 क्या होता, इन्फिनेटिव का केस बनता, तो वहाँ पे क्या हो, अस्तित्व, इसका मतलब उसकी जो आपके पास आव्यूह है यानी कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं वो अस्तित्व में नहीं होती, यानी कि वो डिफाइन नहीं हो पाता, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर केस, यानी कि होना बहुत जरूरी था, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, -1 भी -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों ये ए का मैंने जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली वो आई आपके पास -1। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा टारगेट क्या है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये कैपिटल ए 1 1 जैसे लिख रखा आपको, ये है कोफैक्टर ऑफ
दिस एलिमेंट, राइट, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर होगा, ये जो है वो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कि ए क्या होता है, ए आई जे, क्या लिखते हैं हम, ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन आई प्लस जे एम आई जे, यानी कि एम आई जे मीन्स माइनर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, वन वन का मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला जैसे मैंने ये बताया आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन के पावर वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एम वन वन जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू भी मैंने वन रखी, जे की वैल्यू भी मैंने क्या रखी, वन रखी, तो माइनस वन की पावर क्या होगा, वन प्लस वन एम वन वन, ठीक है, यानी माइनर ऑफ वन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, और जो डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी वो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर क्या होगी, यहाँ पे टू हो जाएगी, ठीक है, इन टू। अब यहाँ पे देखेंगे माइनर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने कहा कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे, तो फर्स्ट रो ये हुई एंड फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो जो डिटरमिनेंट बचेगी ये बची आपके पास, देखो उसके एलिमेंट क्या लिखे मैंने, टू माइनस थ्री माइनस टू फोर, इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप कि माइनस वन की पावर क्या है, टू है, यानी कि इवन है, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, टू इंटू टू की इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो जाएगा, टू फोर जा एट, यानी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे मैंने सिक्स लिख लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एट माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ए वन वन कितना आएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया वो टू आया। सिमिलरली आप ए वन टू निकालेंगे, ए वन टू का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है शुरू में, ए वन टू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, इनको ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एम वन टू डॉट में, यानी कि मल्टीप्लाई में, तो माइनस वन की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड आ गई, विषम आ गई, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एम वन टू, तो एम वन टू का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो देखिए यहाँ पे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो बचेगा क्या आपके पास, जीरो माइनस थ्री थ्री फोर, जीरो माइनस थ्री थ्री फोर, ठीक है, ठीक है, तो माइनस वन जीरो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कैसे होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये होगा आपका माइनस नाइन। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे ए वन टू, ठीक है, ए वन टू मैं डायरेक्ट निकाल, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि ए वन टू का मतलब क्या होगा, आपको पता है ए वन टू का मतलब क्या होगा, माइनस वन की पावर वन प्लस टू एंड एम वन टू, ठीक है, यानी कि माइनस वन की पावर वन कितना हो जाएगा, थ्री, तो नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, एम वन टू का मतलब क्या हुआ, एम वन टू आप निकाल लीजिए, ये तो आपने निकाल ली थी, एम वन टू कितना आएगा, माइनस नाइन आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ए वन थ्री हमने निकाला, ए वन थ्री कैसे होगा, माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री, यानी कि फोर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, साइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे जो आपके पास जो डिटरमिनेंट बचेगी, ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, तो आपके पास ये बचेगा जीरो टू थ्री माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंटू माइनस टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ए वन थ्री आएगा आपका माइनस सिक्स। सिमिलरली ए टू वन आप निकाल सकते हैं, ए टू वन का मतलब होता है आपको जब इसका माइनर निकलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, जो बचेगा उसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा जीरो, ऐसे ए टू टू माइनस टू होगा, ए टू थ्री माइनस वन, ए थ्री वन माइनस वन, जैसे मैंने ये निकाले सारे कोफैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, ए थ्री टू निकलेगा आपका थ्री, ए थ्री थ्री होगा आपका टू। अब बच्चों क्या है कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का आपको पता है वैल्यूज पुट कर देनी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए वन वन की वैल्यू क्या है, ए वन टू की सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको पास ये मिलेगा, ये वाली मैट्रिक्स मिलेंगे, और उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्त, ठीक है, यानी कि जो रो है, फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, देखो सेकंड रो क्या बनेगी, सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो बन जाएगी आपका थर्ड कॉलम, ये आपका निकलेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने क्या करना है बच्चों की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि आपके पास सारा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, ए इनवर्स इक्वल टू होगा आपका वन अपॉन ए डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन ऑफ ए, देखो ए मॉड की वैल्यू यानी कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आए थे, वन अपॉन माइनस वन होगा, क्योंकि इसके माइनस वन वैल्यू आए थे वहाँ पे, और ये अभी अभी मैंने निकाला, तो यहाँ पे आपने पुट कर लिया। अब इस माइनस वन का मल्टीप्लाई सब एलिमेंट के साथ हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू, यहाँ पे नेगेटिव पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नाइन होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा सिक्स, इसका होगा जीरो, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, जैसे यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस वन होगा, यहाँ पे
प्लस थ्री था तो माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे टू था तो यहाँ पे माइनस टू होगा। तो आपने देखा कि हमने इसका क्या निकाल दिया, इन्वर्स। यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है अभी, जिसके फर्स्ट रो है 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha cos alpha माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि माना कि ए बराबर है, ठीक है। ये आपको इसका इन्वर्स निकालना, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन ए का डिटरमिनेंट जो उसकी वैल्यू आएगी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ये निकाल दूंगा। तो आपको पता है ये कैसे निकलेगा, ऐसे करके फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, उसके बाद इसको डिलीट, इसको डिलीट, तो जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई यू में होगा, यानी कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बाकी तो देखो आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो, तो प्लस जीरो प्लस जीरो मैंने कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो माइनस वन आ जाएगी, जो जीरो के बराबर नहीं है। अब बच्चों इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आपको पता है, ए वन वन, ए कैपिटल ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है, का ट्रांसपोज करना है। तो ए वन वन कैसे निकालना है, अभी आपको बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर क्या होगी, इन दोनों को ऐड करते हैं, वन वन, ठीक है, वन प्लस वन एम वन वन, यानी माइनर ऑफ वन वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस वन की पावर जैसे आपको पता है टू है, तो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि वन आ जाएगा इनटू एम वन वन का मतलब क्या हो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपके पास यहाँ पे बचेगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बारह आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वन। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए वन वन, यानी कि माइनस वन हुआ, ठीक है। ए वन टू आपको पता है सेम फॉर्मूला है, माइनस वन की पावर क्या, वन प्लस टू थ्री हो जाएगी, एम वन टू हो जाएगा, माइनर ऑफ वन, यानी कि आपके पास माइनस वन की पावर थ्री, यानी कि नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। और एम वन वन, एम वन टू जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, जीरो, ठीक है। तो ये आपका आएगा टोटल वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ए वन टू सिमिलरली आपके पास ये आ चुका है, ए वन टू, ए वन थ्री क्या होगा, माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, इंटू एम वन थ्री, यहाँ पे भी आपको पता है कि माइनस वन की पावर फोर है तो पॉजिटिव आएगा, इंटू एम वन थ्री की वैल्यू आएगी जीरो, या आ गई आपकी टोटल वैल्यू जीरो। तो ए वन थ्री आपकी आई जीरो। ऐसे ही बच्चों आपने ए टू वन निकालना है, फॉर्मूला रखते जाइए, ए टू वन की वैल्यू भी आपके पास जीरो आएगी, ए टू टू की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस कॉस अल्फा, ए टू थ्री की वैल्यू निकलेगी आपकी माइनस साइन अल्फा, ए थ्री वन की वैल्यू निकलेगी जीरो, ए थ्री टू की वैल्यू निकलेगी माइनस साइन अल्फा, और ए थ्री थ्री की वैल्यू निकलेगी आपकी कॉस अल्फा। ये बच्चों जब सारी वैल्यूज आपके पास निकल जाएगी, आपने क्या करना है, इस वाले एडजॉइंट का जो फॉर्मूला लिखा रखा है वहाँ पे पुट करना है, और पुट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, यानी परिवर्त आव्यूह बनाना है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि सारी वैल्यूज़ उस एडजॉइंट के फॉर्मूले में पुट करनी थी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर चुका हूँ। ट्रांसपोज यहाँ पे टी लिखा है, यानी कि ट्रांसपोज हमने इस मैट्रिक्स का बाद में करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आएगी, तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास ए इनवर्स निकालने का, जैसे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस वन, और ये आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, माइनस वन की वैल्यू हर एलिमेंट के साथ करोगे तो जो नेगेटिव साइन आप वाले वाले एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये आपका क्या निकला, ए का इनवर्स, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे कि लेट, यानी कि यदि ए इक्वल टू, या माना ए इक्वल टू क्या है, एक आपके पास आप भी हो, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं 3 7 2 5, ठीक है। एक दूसरी आप भी हो आपके पास, यानी दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 6 8 7 9, उसके फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम रो के एलिमेंट है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है, यानी सत्यापित करना है ए डॉट बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है। ये आपको सत्यापित करना है, यानी कि ये इक्वल टू ये निकालना है। तो आपको पता है सारे चीज़ आपके पास अवेलेबल, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ए बी का क्या करना है, पहले डॉट करना पड़ेगा, यानी कि पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालना है, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन को निकाला था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एल एच एस लिख दूंगा, ठीक है। एल एच एस आपके पास क्या है, वो रखिए आप, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स बच्चों तब निकलेगा जब हम ए और बी का डॉट करके एक नई मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी, यानी कि एक नया आप भी आएगा, उसका हम
उस पे ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है, इन्वर्स के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए डॉट बी निकालूंगा। तो ए डॉट बी यानी कि ए की वैल्यू आपके पास ये है, ये रख ली, डॉट इसकी वैल्यू ये। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का यानी दो अवयव का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या आता है, प्लस का साइन, जैसे 3 × 6, ठीक है, प्लस फिर प्लस का आएगा 7 × 7, ठीक है, उनको ऐड करके जो नया एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 × 6 + 5 × 7। ये मैंने आपको जब मैट्रिक्स वाला यानी कि थर्ड चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे था, यहाँ पे कि कैसे हम जो है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। आप उन वीडियोज़ को बच्चों ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला 3 × 6 करेंगे यहाँ पे, 3 × 6 + 7 × 7। फिर क्या करेंगे, दूसरी रो में क्या आएगा आपका, 2 × 6 + 5 × 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 × 6 जैसा आपको पता है, ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 × 8 + 7 × 9 एंड 2 × 8 + 5 × 9, राइट। तो आप यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 + 49 + 12 + 35, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 3 × 8 = 24, 7 × 9 = 63, ठीक है। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ए बी जो एक तरफ से आपको एक नया अवयव यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपने इन्वर्स निकालना है ए बी का बच्चों, यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालोगे, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/ab लिखेंगे आप, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी पहले निकाल लीजिए, ए बी कैसे निकलेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो ये मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का साइन आता है यहाँ पे, ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए। तो आपने मल्टीप्लाई करा, तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 4087, इसका आएगा आपका 4089। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2, ये भी नॉन सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अस्तित्व में कोई ना कोई अवयव, ठीक है। तो यानी कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकलेगी, या इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू, जैसे अभी तक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, जैसे मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता था किसी मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे खुद ए बी क्या एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 का ट्रांसपोज, ठीक है। 1 1 निकाल दीजिए, -1 1 + 1 1 + 1 हो करेंगे यहाँ पे, m11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट तो क्या बचेगा, 61 बचेगा। देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 1 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 थी तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे 1 × 61 यानी 61 आपका। तो a11 आएगा आपका 61, a12 क्या आएगा आपका, -1 की पावर क्या, 1 + 2 कितना हो, 3। m12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, देखो चेक कीजिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा, 47। देखो यहाँ पे 47, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण -47 आ जाएगा। ऐसे ही a21 निकालेंगे, a21 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 + 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा। और सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 87। तो वहाँ पे क्या आएगा, -87, ठीक है। ऐसे आप a22 निकालेंगे, यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, +67। तो यहाँ पे आपकी av जो वैल्यूज आएगी, a11 a12 जो भी है, उसकी सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने सारी वैल्यूज जब निकाल दोगे तो उस वाले फॉर्मूले यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी के फॉर्मूले आप पुट कर लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में बदलेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदलेगी। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1/ab का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वैल्यूज पुट करिए आपने, 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे तो -61/2 हो जाएगा, या -- कट जाएगा तो 47/2, क्योंकि 2 तो नीचे जाएगा इसके, और यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 87/2 हो जाएगा, यानी -67/2। ये आपका ए बी का इन्वर्स है, यानी आपका LHS आया, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे हमने LHS की वैल्यू निकाली। अब हम बात करते हैं RHS, RHS आपके पास ये है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बी इनवर्स और इनवर्स निकालना सीखेंगे, और उनका बाद में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने पे आपको जो देखेंगे आपके LHS और RHS इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए पहले आपके पास ए ये है गिवन, ठीक है, दिया ये है, ए इनवर्स आपको पता फॉर्मूला ये होता जो यहाँ पे दिख रहा है, ए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये माइनस होना है, ठीक है, अस्तित्व में, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की फॉर्मूला आपको पता ये है, ठीक है। a11 जैसे मैं अभी हमने निकाला, तो a11 आपको पता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा इसका, ठीक है। और पावर -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 यानी कि क्या होगी, 2,
तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा आपका 5। ऐसे ही यहाँ पे ए वन टू माइनस टू बचेगा, यहाँ पे माइनस सेवन बचेगा 3। इसका ट्रांसपोज करा बच्चों, तो ये ट्रांसपोज करके ये आ जाएगा। अब ए इनवर्स आप निकालोगे तो ए इनवर्स की फॉर्मूला ये था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन। माइनस वन यहाँ रख लीजिए, ये आपने नोट कर लिया। इस माइनस वन का मल्टीप्लाई सबसे करा लीजिए, तो माइनस वन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों बी इनवर्स आपने ये निकाला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो बी इनवर्स आपका माइनस वन अपॉन माइनस टू आएगा और ये आपका आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यानी ए इनवर्स की और बी इनवर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट कराना है। लेकिन पहले बी इनवर्स है फिर ए इनवर्स है, तो उनका आप प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, करते हैं, देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट हम करते हैं बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स का, तो बी इनवर्स की वैल्यू रखी फिर डॉट ये। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का आपको पता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सीखा था 9 इंटू 5 प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम लेंगे तो माइनस 7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू माइनस 2। फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम लेंगे तो 9 इंटू माइनस 7 प्लस माइनस 8 इंटू 3 हो जाएगा। फिर ये इसका इसके साथ होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस 7 इंटू माइनस 7 प्लस 6 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 45 प्लस 16 माइनस 35 माइनस 12, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू एज इट इज़ रहेगा। उसको लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये इनको कैलकुलेट करके ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई एक नई, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए आप माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 61 अपॉन टू, 47 अपॉन टू, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको ये मिला। तो आप देखेंगे कि जो LHS है हमारा और RHS क्या होगा, सेम आ गए बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाई। तो होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।